दोस्तों ई डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में आपको अपडेट करने जा रहा हूं एक ऐसी जानकारी जिसको जानकर आप चौंक जाएंगे। जी हां दोस्तों, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है, नियमित कर्मी को एडवांस सैलरी, महंगाई भत्ता, बोनस और इतना ही नहीं महंगाई भत्ता में काफी इजाफा किया गया है। क्या संविदा कर्मी को भी बोनस मिलेगा? महीनों से बाकी मानदेय ही मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से आने वाले समय में संविदा कर्मचारियों की दीपावली का कोई सौगात नहीं मिल रहा है। क्या सरकार आने वाले समय में जल्द ही संविदा कर्मियों को नियमित कर्मचारियों की तरह सौगात दे सकती है? निवेदन करते इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कर रही है। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि वीडियो में कुछ मैं फैक्ट आपको दिखाने जा रहा हूं। दोस्तों आपको बता दूं कि अभी हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा ट्वीट किया गया कि राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनरों पारिवारिक पेंशनरों के व्यापक हित का ध्यान रखते हुए महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत की वर्तमान दर 34% को दिनांक 1 जुलाई 2022 से बढ़ाकर 38% करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं दोस्तों, एक दूसरा भी ट्वीट जारी किया गया जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी द्वारा राज्य कर्मचारियों के व्यापक हित का ध्यान रखते हुए वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रत्येक कर्मचारी को 6,908 रुपये का बोनस प्रदान किए जाने का निर्णय लिया है। दोस्तों आपको बता दूँ क्या राज्य कर्मचारी जो भी नियमित है वो भी इस राज्य के विकास में योगदान दे रहे हैं? क्या संविदा कर्मी जो भी अनियमित है, जो संविदा कर्मी की को नियुक्ति दी गई है, क्या वो लोग इस राज्य के विकास में योगदान नहीं दे रहे हैं? जहां तक मेरा मानना है सरकार को कहीं न कहीं अनियमित कर्मचारी यानी कि संविदा कर्मचारियों को भी कुछ दिवाली बोनस या उनके मानदेय को बढ़ाया जाना चाहिए। क्योंकि अगर मैं देखता हूं तो आने वाले समय में ग्राम पंचायत सहायक और बीसी सखी मनरेगा में ग्राम रोजगार सेवक का भी मानदेय कहीं कहीं अटका हुआ है। कई जगहों पर तो मिल चुका है लेकिन कई जगहों पर अभी दीपावली सन्निकट है, उससे पहले भी मानदेय नहीं आया है। तो दोस्तों आने वाले समय में क्या कुछ हो सकता है? क्या नियमित कर्मचारियों की तरह उत्तर प्रदेश सरकार संविदा कर्मियों को भी कुछ दिवाली बोनस या महंगाई भत्ता में इजाफा कर सकती है? अगर दोस्तों ऐसा करती है तो पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश की सरकार प्रशंसा के योग्य होगी, क्योंकि आने वाले समय में किस तरीके से संविदा कर्मी इस देश के इस राज्य के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं और आने वाले समय में जिस तरीके से बीसी सखी बहनें हर घर हर गांव हर लोगों तक बैंकिंग सुविधाओं को पहुँचा रही हैं और पंचायत सहायक 200 से ज़्यादा ब्लॉक स्तरीय सेवाएँ आपके ग्राम पंचायत स्तर पर यानी कि आपके घर बैठे उपलब्ध करा रहे हैं। निवेदन करते हैं अगर जानकारी अच्छी लगी, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।